दोस्तों, आज मैं आपको आंखों की रोशनी बढ़ाने के बहुत ही इफेक्टिव घरेलू नुस्खा बताने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि 75% से भी ज्यादा लोग आज आंखों से रिलेटेड किसी न किसी रोग से परेशान हैं या कमजोरी की वजह से आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। वजह है दोस्तों, शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल दुगनी मात्रा में बढ़ना और आंखों की देखभाल में लापरवाही बरतना। अगर आपको दूर पास का न दिखता हो, धुंधला दिखता हो, पढ़ते समय आंखों में दर्द होता हो, आंखों में पानी आता हो, या फिर आंखों में अक्सर भारीपन रहता हो, रात के समय दिखाई न देता हो, या फिर बिना चश्मे के कुछ भी ठीक तरह से न देख पाते हो, ये सभी आंखों के कमजोरी के सिम्टम्स होते हैं। आंखों की कमजोरी के चलते एक बार किसी को नंबर वाला चश्मा लग जाता है तो सभी का यही मानना होता है कि या तो फिर चश्मा उम्र भर लगाना पड़ेगा या फिर आंखों को दोबारा ठीक करने के लिए ऑपरेशन या फिर लेजर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आयुर्वेदिक कुछ घरेलू उपायों के द्वारा भी आप आंखों का इलाज कर सकते हो। हेल्दी लाइफस्टाइल और कुछ घरेलू नुस्खों के द्वारा आप अपनी खोई हुई आंखों की रोशनी वापस ला सकते हो। तो आइए जानते हैं आंखों की रोशनी दोबारा बेहतर करने के लिए असरदार उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ आंखों पर लगाए जाने वाले नुस्खों पर, उसके बाद हम जानेंगे कुछ खाए जाने वाली चीजों और जरूरी सावधानियों की, जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। खान पान के साथ आंखों के नसों को आराम पहुंचाने और देखने की शक्ति को पहले से बेहतर करने के लिए आंखों पर कुछ विशेष चीजों के इस्तेमाल से कमाल का बदलाव आने लगता है। आपको करना क्या है, सौंफ और खीरे को आपस में मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर आंखों पे लगाना है। इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले 2 चम्मच बड़ी सौंफ को थोड़े से पानी में 1 से 2 घंटे के लिए भिगो कर रखते हैं। जब सौंफ नरम हो जाए तो आधा खीरा लीजिए, खीरे और सौंफ को मिलाकर इसे पीस लीजिए और इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। इस पेस्ट को दोस्तों आप एक साथ बनाकर फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हो, इसे 4 से 5 दिनों के लिए बनाकर रख भी सकते हो। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना जरा देख लीजिए। दोस्तों, इस तैयार पेस्ट को अपनी आंखों पर 30 से 40 मिनट के लिए रखना होगा। आंख बंद कर लीजिएगा, लेट जाइएगा और आंखों के ऊपर पेस्ट को रख देना है, पूरी चारों तरफ फैला लेना है और आराम से 30-40 मिनट के लिए लेट जाना है। अगर आपका दिन भर पढ़ने और कंप्यूटर इस्तेमाल करने का काम है तो इस मिश्रण से होने वाली ठंडक को बढ़ाने के लिए आप इस तैयार पेस्ट को 10 मिनट तक फ्रिज में भी ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। ऐसा करने से इसकी ठंडक बढ़ जाती है और आंखों को काफी आराम मिलता है। दोस्तों, सौंफ और खीरे वाले जो पेस्ट हमने बनाया है, इसके इस्तेमाल करने से पहले आप आंखों की मसाज करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। तो इस पेस्ट के इस्तेमाल करने से पहले आप आंखों की मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए। उसके लिए आपको चाहिए होगा बादाम रोगन तेल या फिर कैस्टर ऑयल, दोनों में से कोई सा भी तेल लीजिए और मिडिल फिंगर में इस तेल को लेकर आंखों के चारों तरफ इस तेल को लगाइए और हल्के हल्के हाथों से इसे मसाज कीजिए, टैप कीजिए। ध्यान रखिएगा कि आपको हल्के हाथों से करना है क्योंकि आंखों के चारों तरफ नसें होती हैं, उसे हमें रिलैक्स करना होता है। इस तरह मसाज आप करोगे तो आपको बहुत ही रिलैक्स फील होगा। ऐसा आप इस तेल से रोजाना मसाज करना और रात को सोने से पहले अगर करते हो ऐसा मसाज तो नींद भी आपको बहुत ही अच्छी आएगी। दोस्तों, इस तेल से मसाज करने से आंखों के नसों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आंखों की रोशनी पहले से ज्यादा बेहतर बनती है। मसाज करने के दौरान अगर थोड़ा बहुत तेल आंखों में भी चला जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ध्यान रखिएगा कि बादाम तेल जो यूज करोगे तो बादाम रोगन तेल 100% शुद्ध वाला करना, किसी भी बड़ी और पुरानी कंपनी का लेना। और अगर आप कैस्टर ऑयल यूज कर रहे हो तो 100% शुद्ध एक्स्ट्रा वर्जिन और कोल्ड प्रेस हो, पूरी तरह से केमिकल फ्री हो। दोस्तों, किसी को दूर पास का ना दिखता हो, आंखों से पानी आता हो और आंखों की कमजोरी के चलते सिर में दर्द होता हो तो आपको ये जो 2 तरीके बताया हूँ ये दोनों तरीके आजमाना। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा रेमेडी है, आपको इससे बहुत फायदा देखने को मिलेगा। आप इसे हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार जरूर करना, खासकर जिनका काम कंप्यूटर के सामने ही है उनको तो ये रोजाना इस रेमेडी को फॉलो करना चाहिए। इससे उनकी आंखों की रोशनी लंबे समय तक दुरुस्त रहेगी, आंखों की रोशनी में आंखों में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जिनको भी डार्क सर्कल है वो भी इस पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आयुर्वेदिक नुस्खा और बताता हूँ जिसका इस्तेमाल आपको रात को सोने से पहले करना है। आपको लेना है 1 गिलास हल्का गर्म गुनगुना दूध, उसमें आपको डालना है 1 चम्मच बादाम रोगन तेल। जी हाँ, इस तरह का बादाम रोगन तेल आप ले आइएगा बाजार से। इसी बादाम रोगन तेल से आपको आंखों का मसाज भी करना है और इस तेल को दूध में डालकर आपको पीना है। 1 चम्मच इस तेल का डालना है और 5 से 6 काली मिर्च का चूर्ण इस दूध में डाल दीजिएगा और मिठास के लिए आप इसे मिश्री मिला लीजिएगा। इस दूध को आपको रोजाना रात को सोने से पहले पीना है।
इससे क्या क्या फायदे होंगे? इससे सबसे पहला फायदा ये होगा कि जो आंखों की कमजोरी है, वीकनेस है, आई वीकनेस है, वो दूर हो जाएगी। दूसरा फायदा ये रहेगा कि आपके चेहरे पे जो है चमक है वो कई गुना बढ़ जाएगी, आपके चेहरे का ग्लो बढ़ा देगा, मेमोरी पावर स्ट्रांग करेगा, याददाश्त बढ़ाएगा। इसमें विटामिन ई होता है जो स्किन के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। तो आप इस तरह बादाम रोगन तेल, काली मिर्च और दूध और साथ में मिश्री मिलाकर जरूर पिया करें। अगर आपका शुगर बढ़ा हुआ है तो मिश्री का सेवन ना करें। इसके अलावा दोस्तों, ये आंखों की कमजोरी हो रही है, ये कब्ज की वजह से भी होती है, पेट आपका खराब होने की वजह से भी होता है। तो पेट हमेशा साफ रखना चाहिए, क्योंकि पेट ठीक तरह से साफ नहीं होने की वजह से कब्ज की समस्या हो जाती है और कब्ज की वजह से आंखों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर आपका पेट रोजाना ठीक से साफ नहीं होता तो दो तरीके बताता हूँ, दोनों में से किसी एक तरीके को आप अपना सकते हो। तो बासी मुंह बगैर कुल्ला किए, बगैर ब्रश किए आपको क्या करना है, एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना है और उसमें डालना है ये इसबगोल पाउडर। एक चम्मच इसबगोल पाउडर डालकर पी लेना और ऊपर से जितना पानी पी सको, एक गिलास दो गिलास उतना पानी पी लेना। इससे आपको 15 से 20 मिनट में ही प्रेशर आएगा और पेट अच्छे से साफ होगा। ये पहला तरीका है। दूसरे तरीके में आप त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हो। त्रिफला चूर्ण आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा और ये महंगा भी नहीं होता। एक चम्मच त्रिफला चूर्ण रोजाना हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट बगैर कुल्ला किए, बगैर ब्रश के आपको एक गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। दोनों में से एक उपाय आपने कर लिया तो पेट अच्छे से साफ होगा। इसके साथ ही दोस्तों, डाइट में रेगुलर सलाद की मात्रा बढ़ाएं, सलाद कच्ची चीजें बढ़ाएं, इसमें हाई फाइबर होते हैं। शरीर के सभी अंगों की तरह ही हमारी आंखों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसकी कमी होने पर हमारी आंखें धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना, आपको रोजाना खाना खाने के साथ सलाद का सेवन जरूर करना है। सलाद में आप गाजर, ककड़ी, खीरा, टमाटर, कच्चा प्याज, इसे जरूर खाया करें। और सुबह जब भी मौका मिले तो नाश्ता करने से आधे घंटे पहले पपीता खाएं। नाश्ता करने के आधे घंटे पहले जरूर पपीता खाया करें। पपीता दोस्तों आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने में काफी हेल्प करेगा। और हल्के पीले कलर के जितने भी फल फ्रूट्स होते हैं, इसे डाइट में जरूर शामिल करें। तो इस तरह दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, आंखों की रोशनी वापस जरूर आ जाएगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स कर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलता हूँ दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना।